हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आगे फेस्टिव सीजन आने वाला है, मतलब काफी सारे फेस्टिवल्स है, तो उन फेस्टिवल्स के लिए मैंने कुछ कुर्तीज परचेस किए हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये सारी कुर्तीज मैंने अमेजोन से परचेस की है, बहुत ज्यादा रिजनेबल है, सारे अफोर्ड कर सकते हैं इन कुर्तीज को, तो इसीलिए चलिए देख लेते हैं। आपके पॉकेट पे बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ने वाली है, हर फेस्टिवल पे आप अलग कुर्ती पहन सकते हो। अगर आप साड़ी वगैरह पहनने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कुर्तीज पहन सकते हो। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से देख लेते हैं कौन सी कुर्तीज मैंने परचेस की है। सबसे पहली जो कुर्ती है वो ये है, काफी प्यारा कलर लगा मुझे इसका। 3/4 स्लीव्स है, आगे जो फ्रंट में वर्क या डिजाइन दी हुई है वो भी बहुत प्यारी है, और राउंड नेक दिया हुआ है आगे से, पीछे से पैक नेक है, और कुर्ती काफी ज्यादा अच्छे फ्लेयर में है, मतलब काफी अच्छा फ्लेयर दिया हुआ है इसका। नीचे से आपको गोटा पट्टी मिल जाती है, काफी अच्छी प्रिंट मिल जाती है इस पे, तो पूरे कुर्ती पे प्रिंट मिल जाती है। फेस्टिवल के लिए तो बेस्ट कुर्ती है, रेयन मटेरियल में है तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे आप इसे पहने हुए, और पूरे दिन भर आप इसे पहन के रख सकते हो, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो ये है, ये कॉटन मटेरियल में आपको कुर्ती मिल जाती है। और हाँ, ये सारी कुर्तीज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारी कुर्तीज रंजिता ब्रांड से है, एक ही ब्रांड से। बहुत ही प्यारा कलर है, 3/4 स्लीव्स दी हुई है, पूरी घेर वाली कुर्ती है, काफी अच्छा सा घेर दिया हुआ है इसमें। और रंजिता ब्रांड की मैंने कुर्तीज देखी जिसमें बहुत ज्यादा घेर मिलता है आपको, इसी वजह से इनके ब्रांड की कुर्ती मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आगे से आपको इस तरह से ये डिजाइन मिल जाती है, पैक नेक पीछे से मिलता है, राउंड नेक आपको आगे से मिलता है, 3/4 स्लीव्स मिलती है, काफी अच्छी प्रिंट दी हुई है इस पे, कलर भी काफी प्यारा है, मतलब डार्क कलर है, तो इस वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैला वगैरह भी हो जाए कामों में तो भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो ये है, व्हाइट कलर में है, तो ये भी फ्लेयर वाली कुर्ती है, फिट एंड फ्लेयर में, 3/4 स्लीव्स मिलती है आपको इसमें। इसके भी फ्रंट में जो डिजाइन दी हुई है बहुत प्यारी दी हुई है, राउंड नेक मिलता है, पीछे से पैक नेक मिलता है, पूरी प्रिंटेड कुर्ती है, काफी अच्छी लगी ये भी कुर्ती मुझे। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो ये है, ये कुर्ती भी बहुत प्यारी है, तो देख सकते हो आप, ये भी पूरी प्रिंटेड कुर्ती है, और यहाँ से आपको ये बांधने के लिए डोरी वगैरह भी मिलेगी, मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो इसका फिट, अगर आपकी कमर पतली है चौड़ी है तो इसकी वजह से आपका जो फिट है वो आप एडजस्ट कर पाओगे। काफी अच्छा कलर रिसीव होता है इसका आपको, और यहाँ पे फ्रंट में जो डिजाइन दी हुई है वो भी बहुत प्यारी है, 3/4 स्लीव्स है, तो उसके भी एंड में आपको डिजाइन मिलती है इस तरह से, और इसका भी घेर काफी ज्यादा अच्छा मिलता है, यहाँ पे आपको बीच बीच में गोटा पट्टी मिल जाती है लगी हुई, काफी अच्छी लगी ये भी कुर्ती मुझे। उसके बाद गाइस, ये वाली कुर्ती है, ये वाली कुर्ती भी बहुत प्यारी है, बहुत लाइट कलर है, लेकिन अगर आपको लाइट कलर की कुर्तीज पसंद आती है तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो, ये भी बहुत प्यारी है, ये देखिए 3/4 स्लीव्स मिल जाती है, स्लीव्स के एंड में आपको गोटा पट्टी मिलती है सिल्वर, और इसके बाद यहाँ पे भी आपको ये गोटा पट्टी मिल जाती है, मतलब पाइपिंग मिल जाती है, सिल्वर पाइपिंग। उसके बाद इसका भी फ्लेयर काफी ज्यादा अच्छा है, राउंड नेक मिल जाता है, फ्रंट में आपको इस तरह से डिजाइन मिल जाती है, पूरी प्रिंटेड कुर्ती है ये भी, ये भी कुर्ती मुझे बहुत प्यारी लगी। उसके बाद गाइस, ये वाली कुर्ती, ये व्हाइट एंड ग्रीन कलर में कुर्ती है, ये भी बहुत प्यारी है कुर्ती, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी बहुत ज्यादा प्यारी कुर्ती है, 3/4 स्लीव्स आपको मिल जाती है, फ्रंट में आपको इस तरह से डिजाइन मिलती है, काफी अच्छी डिजाइन मिलती है आपको, इसका भी घेर आपको बहुत ज्यादा मिलता है, ये देखिए पूरी घेरदार कुर्ती है, राउंड नेक है, आगे से पीछे से पैक नेक है, काफी प्यारी लगी ये भी कुर्ती मुझे। और यहाँ पे भी बांधने के लिए आपको डोरी मिल जाती है, इसकी वजह से आपका जो फिट है वो काफी अच्छा आता है आगे से, इसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। और सारी कुर्तीज अमेजोन से है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो आई होप गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और गाइज आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल्स का लिंक, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए फिर गाइज, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइज।